वार्ड 54 सेक्टर 1 के नव निर्वाचित पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर तथा रेल से यात्रा कर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पावर हाउस रेलवे स्टेशन क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया। इस दौरान स्टेशन परिसर, ऑटो स्टैंड में खड़े ऑटो तथा साइकिल स्टैंड में भी सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को भी सर्दी बुखार आए तो उसकी जांच कराएं, दवा लेकर खाएं, आराम करें और कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। फोन करना मेरे को, जांच वाले को भेजूंगा, डरना नहीं है, इस बार कोरोना से मौत नहीं है, है ना। सर्दी जुकाम होके ठीक हो जा रहा है, लेकिन किसी को भी अगर सर्दी जुकाम हो रहा है उसको टालना नहीं है, इसको चेक करवा लेना, चेक करवा के उसका इलाज कर लेना, दवाई भी ला के दे देंगे, ठीक है। लेकिन कोई टालना नहीं, घर में बैठ के टालना नहीं, और घर से बाहर कोई कभी भी निकले तो ध्यान रखना, मास्क 2 रुपए का मास्क आपका 5 से 10 लाख रुपए बचा सकता है ना। ये 2 रुपए का मास्क है ना, इसको पहन के बाहर जाना, इसको कोशिश करना, बच्चे लोग को भी बाहर अगर जा रहे हैं तो इसको पहन के जाए, है ना। और घर में जो भी घरेलू अपन काढ़ा बना के पीते हैं, अपन ये बना के पीते हैं, वो सब अभी ज़्यादा उपयोग करना, ठीक है। लेकिन कोई भी आदमी छोड़ना नहीं, अगर अगर आपको लगता है कि सर्दी जुकाम बुखार है तो मेरे को फ़ोन करना, मैं जांच वाले को भेज दूंगा, मेरे को फ़ोन करना, मैं दवाई भेज दूँगा, ठीक है। लेकिन टालना नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, टालना नहीं है ना। और घर से बाहर जब जाओगे तो हर एक आदमी मास्क पहन के जाएगा, 2 रुपए का मास्क आपका जीवन सुरक्षित रख सकता है ना। एकदम इसमें लापरवाही नहीं करना है ना। घर से कोई भी जा रहा है, खुद टोको कि मास्क पहन लो, मास्क पहन के जाना, है ना। अचानक से बढ़ रहा है और पड़ रहा है, कोई खतरे वाली बात नहीं है, उसका इलाज है ना, यानी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन टालोगे तो उसका इलाज फिर तकलीफ, समझ गए ना। है